फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा पैराडाइज। और होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बट मैंने अभी भी एक वीडियो देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। सोचा कि मुझे इसका जवाब तो देना ही चाहिए, तो ये वीडियो बनाए प्रियादीप के लिए। आप सबकी प्रियादीप थी मेरे लिए, प्रियादीप क्योंकि उनसे एक में छोटी है। तो मैं नाम नहीं लूँगी उनका, अच्छे मुझे नाम याद भी नहीं है। मैंने देखा कि कई लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, तो एक वीडियो मेरी नज़र में जो आया उसमें ऐसा बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है कोरोना काल में, ये ऐसी पार्टी की है, लोगों को मारना चाहती हैं, दिस एंड दैट। बट गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जब हम एंट्री पर पहुँचे, मैं पार्टी में खुद गई थी, प्रियादीप की पार्टी में आई वॉज इन्वाइटेड, और शी वॉज सो ग्रेट क्योंकि उन्होंने हम सबको इन्वाइट किया, क्योंकि हम लोग चाहते थे उनसे मिलना। और जब एंट्री हुई तभी सैनिटाइजर हम सबको दिया गया, जो वेन्यू के बाहर गेट पे ही सिक्योरिटी गार्ड थे। वो क्लिप मैं लेना भूल गई, अदरवाइज मैं ज़रूर ऐड करती और आप सबको दिखाती मैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो थर्मल स्कैनर से स्कैन भी कर रहे थे सबका टेम्परेचर, एंड सैनिटाइज भी कर रहे थे सबके हाथ। और उसके और सब लोग जब आए थे सब ने मास्क लगाया हुआ था। थोड़ी देर बाद जब आप खाएंगे पिएंगे, खाने के लिए तो आपको मास्क उतारना ही पड़ेगा ना, एंड थोड़ा सा बाद में थोड़ा लोगों ने उतार दिया था, बट स्टार्टिंग में सब ट्रस्ट में गए, सब लोग मास्क पहन के आए थे। मैं भी मास्क पहनती, मेरी भी कई क्लिप्स हैं, कई वीडियोस में आप देख सकते हो, उसमें मैं मास्क में ही हूँ। और आफ्टर प्रॉपर प्रिकॉशन के बाद ही हमें एंट्री मिली, हमें क्या सबको एंट्री मिली थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रियादीप ने जानबूझ के ऐसा किया है, या वो और भी लोग अपने फायदे के लिए, ये सब गलत बातें यार मत करो यार। आप वहाँ पे नहीं थे, मैं थी, मैंने देखा था। और मेरी मतलब सिस्टर नीता कृष्ण, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम मास्क लगाए ही हुए थे हम लोग, काफ़ी लोग। बट जब आप किसी से बात करते हो तो थोड़ा तो आपको मास्क हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही किसी जिसका भी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था तो उसको नहीं जाने दिया। ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं, खुद लोग खुद ही समझदार है, लोग नहीं जाएंगे ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुलाया और लोग उठ के ऐसे चले गए, किसी को याद नहीं रहा। सबको याद है, उनको भी याद था कोरोना टाइम। इवन मेरे हस्बैंड साथ में गए थे, जब हमने उनसे हैंड शेक करने की बात हुई तो दीप जी ने हैंड शेक नहीं किया, उन्होंने नमस्ते किया, ठीक है। तो ऐसा आप लोग मत कहिए, आप जो भी कह रहे हैं आप वहाँ पर नहीं थी शायद कि आप डेफिनेटली नहीं थी, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ बाद में जब आप जो भी क्लिप्स आप देख रहे हैं, क्योंकि वो तो सामने ही है, उसमें थोड़ा सा लोग घुल मिल गए थे, क्योंकि दे आर वेरी एक्साइटेड। जब आप किसी को इतना प्यार करते हो तो उससे मिलना चाहते हो, फाइनली जब वो दिन आता है ना तो नहीं हो पाते इमोशंस कंट्रोल। तो एंड मतलब उनको देख के ना हम सब लोग इतने एक्साइटेड हो गए, जैसे ही उन्होंने एंट्री की, लाइक सम बॉलीवुड स्टार इज एंट्री, एंड मतलब और इतने अच्छे, उनकी फैमिली वाले वो सब इतने अच्छे थे, इतने वार्मली वेलकम किया हम सबको। इवन बाप जब मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ तो जेठानी जो भाभी है वो वाली भाभी, आराध्या भाभी और सब लोग, दीप जी सब, इतना कि नहीं खाना खा के जाना, पापा जी, उनके ससुर जी, मम्मी, सब लोग यार। नेहा जब मैं जाने लगी तो नेहा ने भी इतने अच्छे से कि आप जा रहे थे, और उनको देवर सो ग्रेट। और ऐसा होता है आप भी जब किसी से मिलते होंगे ना तो थोड़ा सा मतलब शुरुआत में तो हम लोग ज्यादा ही करते, बट जब सब लोग घुल मिल जाते हैं तो फंक्शन है यार, तो थोड़ा सा मस्ती चलती ही है। बट स्टार्टिंग में सारे प्रिकॉशन के साथ ही हम लोग अंदर गए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मैंने सोचा कि मैं बाद में बताऊंगी, बट मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं अभी देख सकते मैं अपने बेड पे ही हूँ, थोड़ा सा हैंड से लग पेन हो रहा है, तो इसीलिए। तो फिर बाकी बातें मैं डिटेल में आपको जरूर बताऊंगी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट सोचा अभी तो इतना बोल दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रियादीप का कोई प्लान नहीं था, ठीक है। और ना ही मतलब कुछ ऐसा था कि चलो सबको बुलाया करें, वो चाहती तो नहीं भी बुला सकती थी, बट उन्होंने क्यों बुलाया, क्योंकि हम लोग मिलना चाहते थे। मेरे ऐसे बहुत से लोग थे, मैं तो फिर भी पीछे बैठी थी। कई लोग आपने वीडियो में सबके देखा होगा यूट्यूबर के, कि वो लोग बार बार जा रहे हैं हाँ, थोड़ा लोग प्रमोशन के लिए बोलते हैं, मैं मानती हूँ, मैंने नहीं बोला, और भी कुछ लोगों ने शायद नहीं बोला, बट काफी लोग बोल भी रहे थे, तो ठीक है, लोग मेहनत करते थे, चाहते हैं कि भाई प्रियादीप है उस लायक, प्रियादीप ने अपना एक नाम बनाया, तो लोग चाहते हैं कि उनका थोड़ा सा सपोर्ट हमें मिल जाए तो हम आगे बढ़े। मैंने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया, सबका अपना अलग अलग वो होता है। तो बट ये कहना गलत है कि प्रियादीप की पार्टी जानलेवा पार्टी थी, एंड ऐसा नहीं कहना चाहिए यार। और आप भी जब जाते हो अपने फैमिली मेंबर से कहीं मिलने रिश्तेदार में, तो थोड़ी देर के बाद आप उनसे घुल मिल जाते हो, थोड़ा सा एक हो जाता है, पहली बार मिल रहा है और ये भी नहीं पता कि दोबारा उनसे मिल पाएंगे कि नहीं, तो सब लोग एक्साइटेड हो गए थे, जस्ट बस इतनी सी बात है। तो प्लीज ऐसा मत कहिए, और वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, जितनी कैमरे पे दिखती हैं, जितनी लगती हैं उससे बहुत ज्यादा, पूरी फैमिली तो बहुत ज्यादा अच्छी है। और वहाँ पे हमें लखनऊ का रुचि भी मिली थी,
तो वो भी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात की। मेरे वीडियो में अगर आप देखेंगे या उनके वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैं उनके साथ हूँ, क्लिप मेरी दिखेगी आपको। और बहुत अच्छे से बात की हमने, और हम लोग पूरा सैनिटाइज वो सब प्रोसेस करके अंदर आए थे, ठीक है। थर्मल स्कैनिंग भी हुई थी हमारी, हैंड पे की थी उन्होंने, एंड पूरा प्रिकॉशन सिक्योरिटी सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। तो प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। पार्टी वॉज ग्रेट, बहुत अच्छे थे दोनों लोग, दीप प्रियादीप एंड लखनऊ गरुचि का भी बात करूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बात की राकेश जी ने। तो थोड़ा सा बाद में हम लोग क्लोज क्लोज सब लोग आ गए थे, डांस वगैरह हो रहा था। और प्रिया दीदी किसी से नहीं कहा कि आओ मेरे पास आके फोटो खिंचाओ, या यू नो वो नहीं जाके किसी से ऐसे स्टिक हो रही थी, या लोग उनके पास आ रहे थे क्योंकि लोग उनको इतना प्यार करते हैं, लोग चाहते हैं कि यू नो हमारी फोटो उनके संग हो जाए। मेरी नहीं आ पाई तो यू नो आई एम फीलिंग रिग्रेट आ रहा है, मैंने क्यों नहीं लिया उनके संग फोटो। हाँ, फिर मैं लखनऊ का रुचि के संग लिया क्योंकि मैं बाद में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई। शुरू में मुझे भी लग रहा था, मैं आई वॉज हेजिटेटिंग कैसे करूं। मैं ना एक उनका ऑरा ऐसा है कि मुझसे नहीं, मतलब मेरे को लगा कि मैं कैसे जाऊं उसको बोलो कि मेरे संग लो फोटो। इवन जब वो मुझसे हम लोग से सबसे बारी बारी से मिल रही थी, जब वो हमसे मिलने भी आई तो मैं एकदम से आई वॉज मतलब मैं बैठी थी, मैं बैठी रह गई। मम्मी से बात करी थी मैं उनकी, और मेरे से ये भी नहीं हुआ कि मैं खड़ी हूं, मतलब मेरी दीदी थी जो नीता कृष्ण, वो खड़ी के बात करी थी, वो मुझसे बोली थी कि हम मेरी और प्रिया दी की फोटो लो। और आई वॉज लाइक कैसे नहीं यार, वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक है, मतलब आई वॉज सो शॉक, मतलब मैं इतना ज्यादा मेसमराइज हो गई थी उनको देख कर कि मैं कुछ भी क्या बोलूं यार, तो मैं क्या बताऊं आपको। और अभी मैं रिग्रेट करी, काश मैं उनके साथ फोटो लेती। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं आपसे बताऊंगी पूरा डिटेल में, क्योंकि थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, एक्साइटेड हो गई थी एंड लाइट भी चली गई है, सॉरी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए, ताकि सब बातें सबके पास पहुंच सके, फिर कोई ऐसा वीडियो ना बनाए, ठीक है। चलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कृष्णा पैराडाइज, टेक केयर, बाय बाय।